तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, वंदे भारत 4 में फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया था भाई कि 1 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक यानी एक महीने से भी ज़्यादा समय में 20 फ्लाइटें कुवैत के लिए हैं। एक वीडियो में मैंने पहले कवर किया था 1 जुलाई से लेकर लगभग 18 जुलाई तक। जी हाँ साथियों, उसमें 20 फ्लाइटों का मैंने शेड्यूल बताया था। आज हम बात करेंगे भाई 18 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक। जी हाँ साथियों, 7 अगस्त तक में 19-20 फ्लाइटों का शेड्यूल और है, तो आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 3 मिनट में 20 फ्लाइटों का शेड्यूल मैं बताऊंगा, तो वीडियो आप स्क्रीन के माध्यम से फ्लाइटों का शेड्यूल देखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कुवैत से उड़ीसा के लिए फ्लाइट है। जी हाँ साथियों, भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट है कुवैत से 21 जुलाई को। जी हाँ साथियों, 21 जुलाई को फ्लाइट है, ये पहुँचेगी 21 जुलाई को 18:25 में भुवनेश्वर पहुँचेगी। नेक्स्ट फ्लाइट फिर बात कर लेते हैं कुवैत से कोलकाता, वेस्ट कोलकाता के लिए फ्लाइट है वेस्ट बंगाल, 22 जुलाई को 19:40 में फ्लाइट पहुँचेगी। आगे बात कर लेते हैं कुवैत से यूपी के लिए फ्लाइट है लखनऊ के लिए 22 जुलाई को। जी हाँ साथियों, 18:40 में फ्लाइट पहुँचेगी। नेक्स्ट फ्लाइट फिर बात कर लेते हैं भाई कुवैत से है फ्लाइट वेस्ट बंगाल कोलकाता के लिए ही है 23 जुलाई को, जो 19:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। कुवैत से फिर बात कर लेते हैं भाई फ्लाइट है लखनऊ के लिए। जी हाँ, यूपी लखनऊ के लिए फ्लाइट है 23 जुलाई को 18:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई कुवैत से वेस्ट बंगाल कोलकाता के लिए फ्लाइट है 24 जुलाई को। जी हाँ, जो 19:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। फिर बात कर लेते हैं भाई कुवैत से लखनऊ के लिए फ्लाइट है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए 24 जुलाई को पहुंचेगी फ्लाइट 18:40 में। नेक्स्ट फ्लाइट फिर बात कर लेते हैं भाई कुवैत से फ्लाइट है कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए है 25 जुलाई को, जिसमें 19:40 में यात्री पहुंचेंगे। फिर बात कर लेते हैं भाई कुवैत से यूपी के लिए फ्लाइट है लखनऊ 25 जुलाई को। जी हाँ, जिसमें 18:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। कुवैत से फिर बात कर लेते हैं भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए फ्लाइट है 26 जुलाई को, जो 19:40 पे इंडिया पहुंचेगी। आगे फिर बात करते हैं भाई कुवैत से वेस्ट बंगाल कोलकाता के लिए फ्लाइट है 27 जुलाई को। जी हाँ साथियों, जो 19:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। क्या बात है यार, कोलकाता यूपी चल रहा है अभी, आपके उप सरकार मेहरबान हो रही है भाई, कोलकाता सरकार और यूपी सरकार, इसीलिए इतनी फ्लाइटें मिल रही हैं, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। आगे हम बात करें भाई कुवैत से कोलकाता के लिए फिर एक फ्लाइट है, बता दूं आपको 29 जुलाई को। जी हाँ, 19:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। आगे फिर बात करें भाई कुवैत से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है, जी हाँ, 29 जुलाई को तेलंगाना हैदराबाद कुवैत से, जो 18:20 पे पहुंचेगी। कुवैत से साथियों गोवा के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, 1 अगस्त को फ्लाइट है भाई 17:20 का। 3 अगस्त को फिर बात करते हैं भाई कुवैत से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है 3 अगस्त 17:30 पे फ्लाइट पहुंचेगी। 4 अगस्त को साथियों चेन्नई के लिए फ़्लाइट है तमिलनाडु चेन्नई। जी हाँ साथियों, 19 बजे का शेड्यूल है 4 अगस्त का। 5 अगस्त को भाई कुवैत से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है तमिलनाडु के लिए 5 अगस्त को 19:20 पे फ़्लाइट पहुँचेगी। 6 अगस्त को साथियों कुवैत से मैं बता दूं तमिलनाडु चेन्नई के लिए फ़्लाइट है 19 बजे का टाइम शेड्यूल रहेगा। 7 अगस्त को लास्ट फ्लाइट है भाई कुवैत से चेन्नई के लिए, बता दूं 19 बजे का इसका टाइम शेड्यूल रहेगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया, देखिए 2-3-4 स्टेटों की फ़्लाइटें हैं, 20 फ्लाइटों का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया 7 अगस्त तक। 17 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक का फ़्लाइटों का 20 शेड्यूल था, 20 फ्लाइटों का मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस ये फ्लाइटें हैं भाई, और हो सकता है सरकार और ऐड कर दे या और कुछ भी हो सकता है भाई, वंदे भारत में 4 में और भी फ्लाइटें जुड़ेंगी, या हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइटें स्टार्ट कर दे, बहुत सारे रीज़न है। तो बस आज की जानकारी यही थी साथियों, 40 फ्लाइटों मैंने 2 वीडियो के माध्यम से बता दिया, दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।